हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने और लौकी वाली दाल, और उसके साथ बनाएंगे फ्रेंड्स ज़ीरा राइस। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है चने और लौकी वाली, लेकिन आज जो हम बनाएंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, और जो घर में आपके पास सामान अवेलेबल है उसी से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने सब सामान ले लिया है। ये देखिए, दाल है, लौकी है, तेल है, सब स्पाइसेस हैं, अदरक लहसुन है, सब चीज़ है। तो यहाँ हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे चने की दाल, जिसको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। लौकी डाल देंगे इसमें। यहाँ एक इंच अदरक का टुकड़ा है, वो डाल देंगे। और एक टमाटर को हमने काट के ले लिया है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन हमने छील करके ले लिया है, आप चाहें तो इसको कूट करके डाल दें, पीस करके डाल दें। और दो हरी मिर्च और दो लाल मिर्च हमने लिया है, दो इलायची लिया है, और कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें से कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स, हमने एक कप दाल लिया है चने की, तो उसी के हिसाब से हम सब मसाला डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लिए हैं तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मसाला बढ़ा दें। और एक चम्मच नमक डालेंगे, दो चम्मच तेल डालेंगे सरसों का, जो कि हमने कच्चा लिया है बिना पकाए हुए। जब ये पकेगा ना फ्रेंड्स, तो ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और फ्रेंड्स इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कच्चा तेल डालने का। और एक गिलास पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये दाल बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो इसमें एक तेज़पत्ता भी डाल देंगे, तेज़पत्ता बड़ा था तो हमने काट करके टुकड़ा कर लिया था। एक अदद प्याज डालेंगे, बड़ी साइज़ की प्याज थी, और इसको रफली चॉप कर लेंगे। तो अब हम कुकर का लिड लगा करके कम से कम 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक दाल तैयार होगी, हम यहाँ ज़ीरा राइस बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक कुकर रख दिया है, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, और हमने चावल एक कप लिया है, उस हिसाब से हम तेल एक चम्मच डाल रहे हैं। तो इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया, दो इलायची बड़ी और एक तेज़पत्ता। अब हम डालेंगे 3 हरी मिर्च हमने ली है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो 2 डाल दें या ना डालें, डालने से फ्लेवर फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है ज़ीरा राइस में। तो अब हम डाल देंगे चावल। चावल को डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे इसको। फ्रेंड्स, इस दाल के साथ ना ज़ीरा राइस बहुत अच्छा लगता है, और ज़ीरा राइस भी बनाना बहुत आसान है। अब यहाँ हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा फिर से भून लेंगे इसको 2-1 मिनट के लिए। नमक डालने के बाद, नमक डालने से पहले फ्रेंड्स अच्छे से भून लिया जाता है, क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो इसलिए पहले ही हमने भून लिया था इसको। तो चावल अच्छे से भून गया है, तो अब हम एक गिलास पानी डाल देंगे। हमने एक कप चावल लिया था, तो एक कप के हिसाब से 2 कप पानी बनता है, तो ये हमारा गिलास 2 कप का है। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम कुकर का लिड लगा करके 1 सीटी लगाएंगे, और यहाँ हमारी दाल भी तैयार हो गई है। तो अब इसको भी हम देख लेते हैं, प्रेशर निकल गया था, तो यहाँ एक कटोरी में निकाल करके चेक करेंगे कि चना की दाल जो है वो गली कि नहीं गली। फ्रेंड्स, हमने दाल में 1 चम्मच गर्म मसाला भी डाला था, वो हम दिखा नहीं पाए आपको, आप डालिएगा ज़रूर। तो यहाँ हमने कटोरी में दाल निकाल लिया है, और देखिए दाल हमारी गल गई है, अच्छे से मसल जा रही है। तो और इसको हम चम्मच से मिल मिक्स कर लेंगे इसको। तो चलिए अब ऊपर से तड़का दे देते हैं, और टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया, अब हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा सॉटी करेंगे, अब हम डालेंगे हींग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और अब जो हमने दाल बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। तो है ना फ्रेंड्स, कितना आसान बनाना, कोई झंझट नहीं, सब एक साथ डाल करके रख दो, और जितना आसान उतना ही टेस्टी बनता है। और घर में जो सामान हो उसी से बना लो। अगर आपके मसाले में कोई कमी है, जैसे कुछ नहीं है, काली मिर्च नहीं है, या गर्म मसाला भी नहीं है, तो भी चलेगा, तो भी टेस्टी बनेगा दाल। तो यहाँ हमारी दाल तैयार है। अब चलिए ज़ीरा राइस खोल के देखते हैं। तो यहाँ हमारा देखिए ज़ीरा राइस भी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। प्रेशर निकल गया था, 1 सीटी आ गई थी, तो हमने बंद कर दिया था कुकर को, फ्लेम को, सॉरी। तो चलिए अब परोसते हैं फ्रेंड्स।
तो पहले चावल निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे दाल। और फ्रेंड्स, आप ये दाल ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।